मौजूदा वक्त में क्या वाकई लोकतंत्र के मायने उसकी परिभाषा बदल गए हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये लोकतंत्र की वह बिसात है जिसमें एक तरफ पारंपरिक राजनीति है, दूसरी तरफ नई राजनीति। नई राजनीति आती है तो पारंपरिक राजनीति गायब हो जाती है। तो क्या मान लिया जाए लोकतंत्र जिंदा है, संविधान की किताब पढ़ते हुए चुनाव लड़ा जाता है? क्योंकि लोकतंत्र कब्जे में सत्ता के आता है और सत्ता जिसके पास होती है वो बिल्कुल नए तरीके से अपनी सत्ता को परिभाषित करता है। पर भारत का कमाल देखिए, पारंपरिक राजनीति के चमकते दमकते चेहरे वैसे ही चूक जाते हैं जैसे ही एक वक्त अरविंद केजरीवाल ने तो एक वक्त नरेंद्र मोदी ने हर किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुद को कटघरे से ये कहकर बाहर रखा कि सत्ता मिल गई तो फिर देश में असल लोकतंत्र आ जाएगा। तो हुआ क्या? केजरीवाल सीएम बन गए तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए और ये सवाल चुनावी लोकतंत्र के गर्भ में ही रह गया कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ पर जनता ने दोनों पर भरोसा किया तो उस भरोसे का क्या हुआ? या फिर उस दौर की सत्ता के खिलाफ जनता ने अपना गुस्सा निकाला पर उसके बाद क्या हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि पारंपरिक राजनीति चूकी और नई राजनीति पारंपरिक राजनीति से भी ज्यादा खतरनाक हो चली है। केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी को खारिज किया और फिर सत्ता के लिए पारंपरिक नेताओं की कतार में खड़े होते हुए भी नजर आए बेंगलोर में। तो मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली में पनपने से रोका और विपक्ष को संवैधानिक संस्थानों के जरिए घेर लिया। यानी पारंपरिक राजनीति ने देश को चुनाव के नाम पर ठगा और नई राजनीति ने लोकतंत्र को ही ठग लिया। Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation. क्योंकि सत्ता ने देश की संवैधानिक संस्थानों की उपयोगिता तक को सत्ता चलाने के सहयोग के तौर पर देखा। यानी लोकतंत्र के लिए चेक एंड बैलेंस ठीक नहीं, या फिर लोकतंत्र के लिए चेक एंड बैलेंस ठीक उसी तरह जैसे एक तरफ नारा है सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ सबका विकास, ये नारा सुना आपने। और इसी नारे की छांव तले पहली बार मुस्लिम चुनावी लोकतंत्र की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। बीजेपी देश पर काबिज है, राज्यों पर काबिज है, पर कोई चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का कोई मुस्लिम खड़ा नहीं हुआ। और कोई विधायक हो या सांसद जो चुनाव हुआ हो और बीजेपी का हो वो मुस्लिम हो, ऐसा हुआ नहीं किसी भी राज्य में। और इसके समानांतर दलित वोट बैंक के लिए दलितों में भी जातियों तले वोट के बिखराव को जरूरी करार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने तक कभी जा नहीं सकता, आरक्षण को भी कोई बदल नहीं सकता। यानी मुश्किल ये नहीं कि देश में नई राजनीति पारंपरिक राजनीति से कहीं ज्यादा क्रूर है, मुश्किल तो यह है कि लोकतंत्र के नाम पर नागरिक व्यक्ति समुदाय अब मायने नहीं रखता। लोकतंत्र चलाने के नाम पर इंस्टीट्यूशन मायने नहीं रखता। लोकतंत्र की रक्षा का मतलब सत्तानुकूल होना। यानी कभी अब्राहम लिंकन ने कहा होगा, लोकतंत्र को लेकर ये जनता की, जनता के द्वारा चुनी हुई और जनता के लिए काम करने वाली सरकारें होती है। जी, बेमानी हो चुका है सब कुछ, क्योंकि लोकतंत्र इजाजत दे रहा है सत्ता की मनमर्जी ही लोकतंत्र है तो फिर होगा क्या? आइए एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे जनता कहाँ उसके मुद्दे का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।